प्रधानमंत्री होता कौन है कहने वाला, अनपढ़ आदमी, वो भारत के संविधान को नहीं मानते, आज़ादी का जो पूरा आंदोलन है उसे नहीं मानते। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक, मैं संजय अम्बेडकर। आज हमारे साथ में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह। लगातार जिस तरह से हम मीडिया पे देखते रहते हैं, इनको सुनते रहते हैं, आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और देश भर में एक मुद्दा चल रहा है अमृत महोत्सव को लेकर, तिरंगा का जो है माहौल है, और प्रधानमंत्री जी ऐलान कर चुके हैं कि DP पे घर पे झंडा लहराइए तिरंगा, लेकिन उधर RSS नहीं लहरा रही, अपमान कर रही प्रधानमंत्री जी का, क्या कहेंगे? वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ये कहता है दूसरा कुछ कहता है, दोनों की कथनी करनी अलग अलग है और कथनी करनी में कहीं कोई उनकी में तालमेल नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री होता कौन है कहने वाला, अनपढ़ आदमी, लोगों से कहेगा देशभक्ति दिखाने के लिए कि झंडा लगाना चाहिए, क्या देशभक्ति सिर्फ झंडे में है? अगर वाकई में झंडे में देशभक्ति है तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहरवाएं। वो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है कि RSS के जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनकी DP में उनके घर पर तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। वो तो नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि भगवा फहराएंगे हम तो। सर क्या जब क्या? उनके अपने जिसमें उन्होंने काम किया ऐसा बताया जाता है, और जो उनके मतलब मदर जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही प्रधानमंत्री की बात को मानने को तैयार नहीं है तो दूसरा कोई क्यों मानेगा? सर क्या कारण रहा कि 70 सालों से RSS अपने जो है कार्यालय पे झंडा नहीं फहराए तिरंगा? देखिए, उनका जो एजेंडा साफ है, वो भारत के संविधान को नहीं मानते, आज़ादी का जो पूरा आंदोलन है उसे नहीं मानते, यहाँ की जो व्यवस्था संविधान के अनुसार चले उसे नहीं मानते, उनकी अपनी व्यवस्था है वो है मनुस्मृति पर आधारित, वो उसी को चलाना चाहते हैं, उसी को थोपना चाहते हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, ना वो यहाँ के जो है जो गणराज्य है गणतंत्र है उसको मानते हैं, वो केवल मनुस्मृति को मानते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में जो पूरा बटा हुआ समाज है, और फिर शूद्र समाज को 6,743 जातियों में जो बांटा है, उसी के अंतर्गत उनको अधिकार विहीन करके इस देश का शासन चलाना चाहते हैं, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं मानते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है सर, एक तरफ जो है कंवरियों को इतना सुविधा दी जाती है, मलहम लगा जाता है पैर पे, पुष्प वर्षा की जाती है, अगर अधिकार मांगने जाते हैं तो लट पड़ती है। वो करेंगे भाई, उनका एजेंडा है वो, जो सावन के उसमें जो कांवड़िया और ये सब है, ये अंधविश्वास फैलाने का उनका ढंग और तरीका है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसी अंधविश्वास में अपनी जिंदगी खपा दें और उनको अपना शासन स्थापित करने का मौका मिल जाए। बहुत सीधी सी बात है, तो इसलिए उन पर वो फूल बरसाते हैं ताकि लोगों में एक संदेश आए, देखिए भाई कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा है, इतना सम्मान किया जा रहा है, ये व्यवस्था अच्छी है। लेकिन वो जाने वाले लोग ये नहीं समझते कि ये सम्मान नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हें अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है और अंधविश्वास में ढकेल के तुम्हारे तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। उनसे पूछो, कांवड़ियाँ जो लेके जाते हैं, एक बार उन कांवड़ियों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई सरकार हम पे फूल ना बरसाए, सरकार हमें नौकरी दे, सरकार हमें शिक्षा दे, सरकार हमें हमारे अधिकार दे, संवैधानिक अधिकार, फिर देखो पता लगेगी कि कैसे फूल बरसाते हैं और या लट बरसाते हैं या लात मारते हैं। सर अधिकतर देखा जाता है कांवड़ उठाने वाले लोग जो है SC OBC ST होते हैं, कोई विजय माल्या या अडानी अंबानी के बेटे नहीं होंगे भाई, वो जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं, अंधविश्वास है उनके द्वारा फैलाया गया। वो तो राजनीति में होंगे, वो व्यापार में होंगे, वो शिक्षा में होंगे, वो शासन प्रशासन में होंगे, उन्हें मालूम है जहाँ ताकत है वहीं से जो है सब कुछ चलता है। अंधविश्वास उसके लिए नहीं, अंधविश्वास इन्हीं बहुजन समाज के लोगों के लिए है, ताकि वो इसी में जकड़े रहें और उनका शोषण लगातार होता रहे। लेकिन एक तरफ UP में लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सर क्या कहें? वो सारे पेपर लीक होंगे, एक नहीं, वो पूरी साजिश के तहत सब कुछ होता है। क्या पिछले 5 सालों में हुए नहीं 18 बार पेपर लीक हुए? कैसे हुए वो पेपर लीक? अगर सरकार एक पेपर प्रॉपर तरीके से नहीं करा पा रही, इसका मतलब उस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है बने रहने का। लेकिन उस सबके बावजूद भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ये व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था आगे बढ़े, लोगों को उनका अधिकार मिले, इसलिए खत्म। आपने नौकरी की बात की सर, उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 7 साल हो गई सरकार BJP की, 14 करोड़ नौकरी बनती है लेकिन 7 ही लाख नौकरी दे पाए हैं। वो तो अब आपके सामने आ गया कि इन 7-8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने जो है रोजगार मांगा, लेकिन दिया मात्र 7,22,000 लोगों को,
तो इससे बड़े और क्या। तभी तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री तो दुनिया भर के झूठे हैं, झूठ बोलने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। सुबह जिस समय से उठेंगे, रात को जिस समय सोएंगे, झूठी झूठ झूठी झूठ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, केवल गुमराह करना, कहना कुछ करना कुछ, ये स्थिति। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भुखमरी से देश जूझ रहा है। भयानक है बेरोजगारी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि जो युवक हैं उनको सामना आना पड़ेगा। ये बेरोजगारी इस देश को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इसी बेरोजगारी के कारण युवाओं की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 16 अगस्त से दिल्ली में आंदोलन शुरू हो रहा है, एक हफ्ते के लिए बेरोजगारी जो युवा हैं वो सारे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी उस आंदोलन में शामिल रहूँगा, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और हम सब पूरी ताकत से उनका समर्थन करते हैं, हर तरह का उन्हें सहयोग देंगे। मैं आपके माध्यम से और सब लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस बेरोजगारी के आंदोलन में जो 16 अगस्त से शुरू होगा, 15 अगस्त के तुरंत बाद और एक हफ्ते चलेगा, उसमें सब लोग हर तरह का सहयोग दें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। उनके रोजगार, उनकी ज़िंदगी का, उनके भविष्य का सवाल है। उनके साथ खड़े होना, उनको सहयोग देना हमारी जिम्मेदारी। हमेशा आप बात करते रहते हैं सामाजिक परिवर्तन की। एक तरफ देखा जाए तो जो अभी कावड़ ढो रहे SC ST OBC के बच्चे, उनको किस तरह से आप अपने तरफ लाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उन्हें सारी चीज़ें समझाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे जो एक संगठन है वो आपको लगातार अंधकार की तरफ ढकेल रहा है। बाकायदा उनको हर चीज़ आंकड़ों सहित, उदाहरण सहित, तथ्यों सहित उनको समझाएंगे। दूसरी तरफ आपके जो हक और अधिकार हैं कहाँ पर सुरक्षित हैं, कौन है, किसने दिए, कौन सुरक्षा कर रहा है, किसके माध्यम से आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं, और ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं अंधविश्वास में जकड़े हुए, ये आपको कहाँ ढकेल देगी। ये सारी चीज़ गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाके हम जैसे सभी प्रबुद्ध साथियों की जिम्मेदारी है लोगों को समझाएं, तभी ये बात। अभी सर जो है मंच पे EBM को लेकर बड़ा जो आवाज़ उठ रही थी, हालांकि अभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ, कल भी हुआ धनखड़ जी का, और उसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, और विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो है EBM से होता है। अब EBM हटाओ देश बचाओ की बात करते हैं। निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ EBM जब तक रहेगी आप BJP को नहीं हटा सकते। जिस दिन EBM हट जाएगी उस दिन BJP साफ हो जाएगी, ये बिल्कुल साफ है, लोग माने ना माने। हालांकि एक साथी ने जो कहा कि EBM में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है, EBM में निश्चित रूप से गड़बड़ी है। केवल मैं नहीं कह रहा, कितने लोग हैं वो कह रहे हैं। अगर EBM सही है तो क्यों गिनती जो होती है वही क्यों नहीं निकलती है। दूसरा, आज तक बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन पड़ा हुआ है, लगभग 19 लाख EBM जो कंपनियां हैं दो BEL और ECIL उन्होंने सप्लाई करी इलेक्शन कमीशन को, वो 19 लाख EBM कहां गई, इसका जवाब हाईकोर्ट को दे नहीं सका है जो इलेक्शन कमीशन है। और कोई भी जानकारी जो मांगी जाती है वो देता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, IAS, IPS, PCS, जितने भी ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी लोग हैं, वो सब एक भी अगर मुझे ये बताए कि EVM कैसे काम करती है तो मैं मान जाऊँ, किसी को मालूम नहीं है, अनपढ़ आदमी को क्या होगा। और जिन लोगों ने, जिन देशों ने EVM बनाई वो जब छोड़ चुके, और वर्तमान में हमारे सामने है कि आप जो चुनाव करा रहे हैं राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, वो आप बैलेट पेपर से करा रहे हैं, तो फिर पूरा ही चुनाव आप विधानसभा का, लोकसभा का कराते क्यों नहीं है। नहीं कराएंगे क्योंकि उन्हें मालूम है जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया, BJP का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इस EVM को हटाने के लिए लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ, लोग माने न माने, कि जितने भी आंदोलन के लिए हमारे पास सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, मुद्दे हैं, उनमें EVM सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। मैं मानता हूँ बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, किसान की जो दिक्कत है वो मुद्दा है, मजदूरों की दिक्कत मुद्दा है, लेकिन ये सब कुछ एक सरकार विशेष की वजह से है, और वो सरकार EVM की वजह से है। जिस दिन EVM हट जाएगी, वो सरकार हट जाएगी, ये मुद्दे भी धीरे धीरे खत्म होंगे, और फिर ही आप जाके कुछ काम कर पाएंगे। सर, अभी आपने मंच पे जो है राजनीतिक पार्टियों को लेकर एक चीज़ कहा कि अब जो है चुनाव में राजनीतिक पार्टी जैसे सपा बसपा खत्म हो चुकी है, एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है, क्या उस पार्टी का निर्माण आप कर सकते हैं? हमने कर दिया, हमने तो कर दिया ऑलरेडी, हम तो कर चुके। 2013 में हमने पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रही, आज नहीं कल आ जाएगी, जब तबाह हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगी, लेकिन तब तक कुछ बचेगा नहीं। इसलिए देखिए, वहाँ कुछ अब है नहीं, जो लोग बसपा के साथ चिपके हुए हैं वह क्या होता है सबको मालूम है, कहने की ज़रूरत है क्या, और किस तरह से हो रहा। इस बार जब सुपड़ आज बताइए, 403 में से एक सीट आपकी आई है, रह के आ गया पार्टी में, सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी उस व्यक्ति की अपनी वजह से आई है, उसकी अपनी ताकत की वजह से आई है, बाकी और कुछ नहीं है। जो बलिया में जीता है वो व्यक्ति उनका, सो खत्म हो चुका है, फिर किस बात के लिए आप ढो रहे हो उसे।
जो वोट परसेंट था कहाँ से घट के कहाँ आ गया, ये सबके सामने है सारी चीज़ें। और जब आपने सिर पे ब्राह्मणवाद को रख लिया, आप परशुराम का पर्सा उठा के चल दिए, फिर बहुजन कहाँ रह गया, फिर बहुजन समाज पार्टी कहाँ रह गया, बहुजन समाज का मूवमेंट कहाँ रह गया। सर एक सवाल और है, आखिरी सवाल ये है कि आप बसपा को ही टारगेट क्यों करते हैं, सपा भी है वो भी मनुवादी व्यवस्था। नहीं, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा पर्सा उठा के कोई भी चलेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब कोई जो भी ब्राह्मणवाद को सर पर लेकर चलेगा, खत्म, वो समाज का नहीं है, वो बहुजन समाज का अंग नहीं है, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं।